लाल कुआं में ईद उल फितर का पर्व खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद के मौके पर जामा मस्जिद और रोशन मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों ने शहर इमाम के समक्ष ईद की नमाज अता की। जामा मस्जिद में देश की तरक्की, अमन, एकता और भाईचारे के साथ सभी ने नेक राह पर चलने की दुआएं मांगी। वहीं रोशन मस्जिद में फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं मांगी गईं। इस दौरान रोशन मस्जिद के इमाम की आंखें नम हो गईं। सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल और पुलिस बल मौजूद रहा। दोनों मस्जिदों के रास्ते में खड़े क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने भी मस्जिद से लौट रहे मुस्लिम भाइयों को गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दी। माशाल्लाह, हर इंसान ने इसमें खुशी खुशी नमाज पढ़ी, चाहे वो जामा मस्जिद हो या रोशन मस्जिद हो। माशाल्लाह, पूरे शहर के अंदर पूरे रमज़ान सुकून का माहौल रहा, अमन अच्छी तरीके से रहा, किसी तरीके की कोई बात नहीं हुई। और माशाल्लाह, दोनों मस्जिदों में टाइम से अजान भी हुई, दोनों मस्जिदों में टाइम से सहरी भी जगाई गई, किसी तरीके की कोई हमें परेशानी नहीं आई। और आज माशाल्लाह ईद उल फितर का दिन है, हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट है, खुशी का दिन है। तो हमें चाहिए कि आज के दिन हम अपने भाइयों से, अपने वालिदैन से और अपने अजीज व अकारिब से सबसे खुशी के साथ ईद मिले और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करें, क्योंकि ये दिन है तो हमें पूरी तरीके से खुशी मनाना चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।